no! Horse meow! Horse meow! Supreme Court, horse meow! Horse meow! Horse meow! और जब ये बिगड़ता है तो भारत सरकार के धैला संभला में नहीं आवेगा। इसकी हम लोगों को संविधान में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है अभिलंब बंद करें और पूर्णतः हम लोगों को संविधान जैसा बाबा साहब बना के दिए हैं उस हिसाब से चलने दें। अरे भाई मरता क्या नहीं करता, गरीब तो सब दिन मर ही गया है, अभी ऐसे भी मरना है ऐसे भी मरना है। आप एससी एसटी का जो कोटा है उसमें आप क्यों वर्गीकरण कर रहे हैं? यह गलत है क्योंकि जाति को दबाकर, छोट जात को दबाकर रखा गया, इस कारण आरक्षण मिला गया। इसलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान के दलित हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। सब लोग की मानसिकता है कि आरक्षण में आरक्षण नहीं होनी चाहिए, जो गरीब है उसको आरक्षण हम लोग बाबा साहब दिए हुए हैं उसको मान होना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट होश मियाओ, होश मियाओ, होश मियाओ, सुप्रीम कोर्ट होश मियाओ, होश मियाओ, होश मियाओ, जो दलित के कुचलेगा मैं उसको कुचल दूंगा, जो दलित के कुचलेगा उसको तो कुचल दूंगा, हम लोग नहीं कुचलेंगे। होश मियाओ, होश मियाओ, होश मियाओ। गरीब आदमी जो होता है ना, गरीब आदमी एक तो सताए गए लोग होते हैं और जब ये बिगड़ता है तो भारत सरकार के धैला संभला में नहीं आवेगा। इसलिए भारत सरकार को हम दलित समाज आगाह करना चाहते हैं कि हम लोगों को संविधान में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है अभिलंब बंद करें और पूर्णतः हम लोगों को संविधान जैसा बाबा साहब बना के दिए हैं उस हिसाब से चलने दें। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि जो कानून लाया गया सही है। सम्राट चौधरी अगर कह रहे हैं तो हम उनको बताना चाहते हैं, जब दो आदमी का लड़ाई हो तो हमेशा गरीब के साथ देना चाहिए। इसलिए सम्राट चौधरी की जो मानसिकता है बोलते होंगे, हमेशा गरीब के साथ देना चाहिए। आप लोग हार नहीं मानिएगा? अरे भाई मरता क्या नहीं करता, गरीब तो सब दिन मर ही गया है, अभी ऐसे भी मरना है ऐसे भी मरना है, इसलिए आज लड़ाई लड़के क्यों नहीं मरा जाए। कितने घंटे तक बंद रखिएगा? पूर्णतः जो हमारा संकल्प है मैंने 8 घंटा का, 8 घंटा तक बंद रखेगा। कौन सा जगह हुआ? एक कांटी, हम लोग NH 28 पर हैं, थर्मल गेट के सामने। नाम क्या हुआ आपका? प्रभु पासवान। कानून जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है गलत किया गया है, क्योंकि SC ST शुरू से ही शोषित है तो उनको आरक्षण तो मिलना जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। जब गरीब आदमी ऊपर चढ़ेगा तो देश का विकास होगा। हाँ, जहाँ तक आरक्षण की सीटों की बात रही तो सुदामा कोटा ESW जो 10% आरक्षण मिला गया तो उसमें आप वर्गीकरण कीजिए ना। आप SC ST का जो कोटा है उसमें आप क्यों वर्गीकरण कर रहे हैं? यह गलत है क्योंकि संख्या के आधार पर आप अगर आरक्षण देना चाहते हैं OBC को, अच्छी बात है, देश में OBC का भी सम्मान होना जरूरी है, तो आप ESW में आरक्षण दीजिए ना। आरक्षण कोई भीख में मिला हुआ चीज नहीं है, आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया, आरक्षण दिया गया है जाति के आधार पर, जाति को दबाकर, छोट जात को दबाकर रखा गया, इस कारण आरक्षण मिला गया। तो आप ये ना समझे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, तो आरक्षण जितना है हम लोगों का उतना मिलना जरूरी है। आगे की रणनीति क्या रहेगा? सरकार बात नहीं मानती? अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे भी इसी प्रकार का जाम रहेगा। और क्या लगता है सरकार क्यों नहीं, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? मानेगी, जरूर मानेगी, हम लोग एक होंगे तो अवश्य मानेगी, क्योंकि विकास, देश का विकास ST SC जब तक आगे नहीं बढ़ेगा देश का विकास संभव नहीं है। सरकार दोहरी नीति देख रही है क्या? हाँ, इसमें भी दोहरी नीति देख रही है, क्योंकि एक तरफ OBC को एक छोटा सा लड्डू देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि OBC समाज इस सांसद इलेक्शन में बहुत सारे OBC समाज के लोग टूटे हैं BJP से, तो वह देख रही है कि झूठ मूठ का एक प्रलोभन दे जिसे OBC समाज मेरे तरफ आए तो ये प्रलोभन नहीं चलेगी BJP का। कितने घंटे से अभी आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं? अभी तो लगभग हम लोग 3 घंटे से हैं और जब तक टाइम समय है तब तक हम लोग रहेंगे। जो हम लोग का आरक्षण में आरक्षण, यह कहाँ के नियम है जो आरक्षण के तोड़ करके हम लोग के आरक्षण में आरक्षण महादलित में हम लोग के टूट कर रहे हैं, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। इसलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान के दलित हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिला नहीं माना जाएगा तो नहीं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। गरीब पे कोई देखने वाला नहीं है, चाहे कोई वर्ग हो,
इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, फिर आगे जो फिर होगा, जो ऊपर का निर्देश होगा, हम लोग फिर रोड जाम करेंगे, जो होगा हम लोग समझेंगे। 2025 के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है आप लोग के मान? देखिए, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में तो जो जैसा कैंडिडेट करेंगे वो हिसाब से हम लोग कांटी जो है उसका मतदान करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोग अधिकार के लिए हम लोग खड़े उतरे हुए हैं। जितने हम लोग अति पिछड़े, जितने हम लोग अनुसूचित जाति हैं, यहाँ ये बात नहीं है जो हम लोग अनुसूचित जाति हैं, सब लोग की मानसिकता है कि आरक्षण में आरक्षण नहीं होनी चाहिए। जो गरीब है उसको आरक्षण हम लोग के बाबा साहब दिए हुए हैं, उसको मान होना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। यदि छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग फिर आगामी फिर हम लोग पूरे दलित हिंदुस्तान के एक हो जाएंगे और फिर रोड पर उतरेंगे। अच्छा, कौन सा जगह हुआ ये? ये हो गया NH 28 थर्मल NTPC गेट, मेन गेट के सामने हम लोग NH 28 है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभुराम, वार्ड पार्षद एक। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।